जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप 10वीं पास हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होगी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज दिलसाद गार्डन में आपकी पोस्टिंग होगी। दोस्तों ये दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। इसमें दोस्तों दो तरीके की पोस्ट की बात करेंगे, जिसमें सिंपल 10th पास वहाँ गया। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी भी बातें एडवर्टाइज में बताई गई हैं सारी अपनी वीडियो में कवरअप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत ये आती है। दोस्तों दिलसाद गार्डन में स्थित है। पहली पोस्ट की बात करते हैं, नर्सिंग ओडली की पोस्ट निकली है। इसमें सिंपल 10th पास मांगा गया, यानी कि मैट्रिकुलेशन अगर आपने की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा गया है कि फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपको फील्ड का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये डिजायरेबल में लिखा गया है, उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका दोस्तों डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट होगा, जो कि 7 जुलाई 2021 को आपको डायरेक्टली जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आगे बताऊंगा, उससे पहले आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। इसमें सैलरी मिलेगी 28,040 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगली बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट है। दोस्तों अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और 10th पास आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों डिजायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 23,283 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 5 जुलाई 2021 को है। अब बात करते हैं आपको जाना कहाँ पे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, जो बनेगा डायरेक्टर IHBAS इनके नाम से 250 रुपये का बनेगा। दोस्तों अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं और अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको फिलअप करना, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। दोस्तों एक सेट ले जाना फोटोकॉपी का सेल्फ टेस्ट करके, यानी कि ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वो लेके जाने हैं आपको कहाँ पे, वेन्यू है एक्टिविटी रूम, एकेडमिक ब्लॉक, IHBAS हॉस्पिटल, दिलसाद गार्डन, दिल्ली 95। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको पहुँचना है। अगर आप नर्सिंग ओडली के लिए अप्लाई करेंगे तो 7 तारीख को जाना है और ड्राइवर के लिए 5 तारीख को जाना है। टाइमिंग रहेगी दोस्तों सुबह 9 बजे से पहले पहले आप वहाँ पे पहुँच जाना। एज की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो नीचे 60 साल, 60 साल के अंतर्गत आपकी एज है तो आप इन सारी पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करना, उसको रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आपका कोई और सुझाव या क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।